Good morning students, welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss two different topics of the running chapter: The Crisis of Democratic Order. Your first topic is Janta Government and second legacy, Janta Sarkar or Virasat. So let us start our discussion regarding the first topic: Janta government. The Janta Party government that came to power. आफ्टर द नाइनटीन सेवेंटी सेवन इलेक्शन वॉज फार फ्रॉम कोहिजन जनता की सरकार जो कि उन्नीस सौ सत्तर के चुनाव के बाद सत्ता में आई थी उसमें कोई खास तालमेल नहीं था एंड आफ्टर द इलेक्शन इलेक्शन के बाद चुनाव के बाद देर वॉज स्टिफ कम्पिटिशन एक प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती है अमंग थ्री लीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनने के लिए फस्ता मुरारजी देसाई हु वॉज द आरइवल ऑफ इंदिरा गांधी एवर सिंस नाइनटीन सिक्सटी सिक्स टू सिक्सटी सेवन जो छियासठ सतासठ से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी रहे थे चरण सिंह लीडर ऑफ भारतीय लोकदल एंड फॉर्मर अ फार्मर लीडर फ्रॉम यूपी और तीसरे कैंडिडेट थे जगजीवन राम हु हैड वास्ट एक्सपीरियंस एज अ सीनियर मिनिस्टर इन द कांग्रेस गवर्नमेंट इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर बट दैट डिड नॉट ब्रिंग द पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो पार्टी में खींचा तो नहीं थी वो कभी कभी ना हो पाई द अपोजिशन टू एमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टूगैदर ओनली फॉर वाई जो आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ दिनों के लिए एकजुट रख सका एंड इट्स क्रिटिक्स फेल्ट दैट आलोचकों ने महसूस किया जनता पार्टी लैक्ड डायरेक्शन एंड लीडरशिप एंड ए कॉमन प्रोग्राम कि जो आलोचकों ने महसूस किया जनता पार्टी के बाद ना तो जनता पार्टी के पास ना तो कोई एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है ना कोई कॉमन सा कोई एजेंडा है जिसके द्वारा कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं और ना ही कोई दिशा निर्देश है तो जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंक अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन आफ्टर फ्रॉम कांग्रेस और ना ही जनता पार्टी कोई बदलाव लेकर आई राजनीति के अंदर जनता पार्टी इन लेस देन एटीन मंथ बाद में जनता पार्टी भी टूट गई और अठारह महीने ही मुरारी देसाई की सरकार चल सकी गवर्नमेंट हेडिड बाय चरण सिंह द्वारा सरकार बनी चौधरी चरण सिंह के द्वारा बनाई गई फॉर्म ऑन द ऑफ सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया बट द कांग्रेस पार्टी लेटर टू इट्स सपोर्ट विद द रिजल्ट दैट द चरण सिंह गवर्नमेंट कुड रिमेन इन पावर फॉर जस्ट अबाउट फोर मंथ पहले कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार बनवा दी बाद में डिसाइड किया कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे चार महीनों के बाद अपना समर्थन वापस ले लिया जिससे चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर गई फ्रेश लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन जनवरी 1980। अब नए सिरे से चुनाव हुए 1980 में लोकसभा के इन द जनता पार्टी सफर्ड ए कम्प्रीहेंसिव डिफीट इस चुनाव में जनता पार्टी बुरे तरीके से हार गई especially in north India उत्तर भारत में इट हैड स्वैप्ड द पोल्स ऑफ 1977 जहाँ पे उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी को बुरो टिक से हराया था कांग्रेस पार्टी लड बाई इंदिरा गांधी नियरली रिपीटेड इट्स ग्रेट विक्ट्री इन 1971 अब इंदिरा गांधी के नेतृत्व तो में कांग्रेस पार्टी ने उन्नीस सौ के टाइम वाली ही जीत दर्ज की एंड इट वॉन थ्री फिफ्टी थ्री एंड केम बैक टू पावर और अब की बार कांग्रेस को तिरपन सीटें मिली और वापस सत्ता में आ गई द एक्सपीरियंस ऑफ नाइनटीन टू सेवेंटी टोट अनदर लेसन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स गवर्नमेंट दैट आर सीन टू अनस्टेबल एंड क्वल्सम आर सीवियरली पनिश्ड बाय द वोटर ये अनुभव ये, इसने ये बताया कि जिस सरकार के अंदर ऐसी थरता हो और साथ में कोई वहां पे कोई ना हो एकता ना हो कोई एजेंडा ना हो जिस पार्टी के पास और जीत जाए उसके बाद वोटरों से मतदाता उसे हमेशा ही पनिशमेंट देते हैं नेक्स्ट टॉपिक है लिगेसी विरासत लिगेसी विरासत बट हु वॉज इट ओनली केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी क्या सिर्फ इंदिरा गांधी के वापस सत्ता में आने की बात थी बिटवीन द इलेक्शन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी सेवन टू नाइनटीन एटी द पार्टी सिस्टम हैड चेंज अब पार्टी की जो व्यवस्था थी बदल चुकी थी डिटोमेटिकली सिंस 1969 the congress party कांग्रेस पार्टी हैड स्ट्रिंग शेडिंग इट्स an umbrella एन अम्बरेला पार्टी उनहत्तर से 1969 से कांग्रेस का जो ने जो प्रवृत्ति रही थी वो हमेशा एक सभी को अपने अंदर एडजस्ट करने की रही थी एक अम्ब्रेला क्षेत्र की तरह भी कोई भी आता इसमें शामिल हो सकता था वच अकोमोडेटेड लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजिकल डिस्पेंसेशन एंड व्यू पॉइंट्स अलग अलग विचारधारा के लोग भी कांग्रेस में शामिल थे एंड द कांग्रेस पार्टी नाउ आइडेंटिफाइड इट सेल्फ कांग्रेस पार्टी ने आपको और मतलब बड़े बढ़िया तरीके से अपने वर्क किया विद द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एक एक विचारधारा के साथ जुड़ गई है एंड क्लेमिंग टू बी द ओनली सोशलिस्ट एंड प्रो पुअर पार्टी और अपने क्या डिक्लेयर किया एक समाजवादी पार्टी है और गरीबों की पार्टी है इस प्रकार से विद द अर्ली नाइनटीन सेवन सेवेंटीज़ द कांग्रेस पोलिटिक पोल्टिकल सक्सेस डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन एंड अपील ऑफ वन लीडर इंदिरा गांधी विद द चेंज इन द नेचर ऑफ कांग्रेस पार्टी अदर अपोजिशन पार्टी रिलाइड मोर एंड मोर ऑन वट इज़ नोन इन इंडियन पॉलिटिक्स एज नॉन कांग्रेसनिज्म इस तरह उन्नीस के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही थी कि वह गहरे सामाजिक और विचाराधात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ खींच सके और इसके साथ साथ यह पार्टी पर नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर हुई और कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलाव के मद्देनजर रखते अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े एंड ऑल्सो रियलाइज्ड द नीड टू अवॉइड द डिवीजन ऑफ नॉन कांग्रेस वॉट इन द इलेक्शन एंड दिस फैक्टर प्लेड ए मेजर रोल इन द इलेक्शन ऑफ नाइनटीन सेवनटी से विपक्ष के नेताओं को अब इसी बात साफ सा नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरनी नहीं चाहिए इस चीज ने नाइनटीन सेवनटी से चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इन एंड इनडायरेक्ट मैनर द इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट ऑल्सो बिगेन इन द टू डोमिनेट पॉलिटिक्स सिंस नाइनटीन सेवनटी सेवन अप्रत्यक्ष रूप से उन्नीस के बाद पिछड़े वर्ग की भलाई का जो मुद्दा था भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हो गया था एज वी सो जैसे हम देखते हैं देखा हमने द रिजल्ट ऑफ नाइनटीन सेवनटी सेवन इलेक्शन वॉज एटलीस्ट पार्टी पार्टली ड्यू टू शिफ्टिंग अमंग द बैकवर्ड कास्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया की उन्नीस के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था

द इश्यू ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन बिहार एंड फॉलोइंग दिस जो आरक्षण का मुद्दा था वो बिहार में और अन्य जगह बहुत महत्वपूर्ण हो गया था एंड एंड द मंडल कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाद मंडल कमीशन को नियुक्त किया गया बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द सेंटर जनता पार्टी के द्वारा सेंटर में यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अबाउट द रोल ऑफ द पोलिटिक्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन द लास्ट चैप्टर द इलेक्शन आफ्टर द एमरजेंसी सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इन द पार्टी सिस्टम आपातकाल के बाद हुए चुनावों ने दलीय व्यवस्था के भीतर एक बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी द एमरजेंसी एंड द पीरियड अराउंड इट कैन बी डिस्क्राइब एज द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिकॉज इट हैड इट्स ओरिजन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल ओवर दूरिडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी आपातकाल उसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में देखा जा सकता है संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में ही था अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ इट वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ पोलिटिकल क्राइसिस जबकि दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर रहा है इट वॉज ऑल्सो एंड द पार्टी इन पावर हैड एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो पार्टी पावर में थी उसके बाद बहुत ज़्यादा बहुमत था एंड येट फिर भी इट्स लीडरशिप डिसाइडेड टू तो सस्पेंड इसका जो नेतृत्व था मतलब इतना कुछ होने के बाद भी नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप करने का फैसला कर दिया था द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय सुधार निर्माताएँ जिन्होंने निर्माण किया था संविधान का ट्रस्टेड दैट उन्हें विश्वास था कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वुड बेसिकली अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक नॉ कि वो लोकतंत्र नियमों का पालन करेंगे एंड इवन ड्यूरिंग द एमरजेंसी व्हेन द गवर्नमेंट वुड यूज एक्सट्रोडनरी पावर्स जब सरकार आपातकाल के दौरान अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी इट्स यूज वुड बी विद इन द नॉर्म्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ ये कानून के दायरे में इसका प्रयोग किया जाएगा दिस एक्सपेक्टेशन लेड टू द वाइड एंड ओपन एंडेड पावर गिवन टू द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ एमरजेंसी एंड दीज वर अब्यूज ड्यूरिंग द एमरजेंसी लेकिन इन शक्तियों का गलत उपयोग किया गया आपातकाल के दौरान एंड दिस पोलिटिकल क्राइसिस वॉज मोर सीरियस देन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस तरीके से राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज़्यादा संगीन हो गया था another crisis issue that emerged during the period was the role and extent of mass protest in the parliamentary democracy इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा था एंड देयर वॉज क्लियरली अटेंशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पोटेनेसिस पॉपुलर पार्टिसिपेशन अब इस दौर में सस्ता आधारित लोकतंत्र और स्वतंत्र सफरचंद भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आ रहा था दिस टेंशन में बी एट्रीब्यूटि टू द इन एबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल इस तनाव का एक कारण यह भी था कि हमारी दलीय जो प्रणाली है जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने में योग्य साबित नहीं हुई थी इन द टू चैप्टर्स दैट फॉलो वी शाल स्टडी सम ऑफ़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द टेंशन इन पर्टिकुलर पॉपुलर मूवमेंट एंड डिबेट्स अराउंड रीजनल आइडेंटिटी और आगे के तो जो चैप्टर्स हैं उसमें हम तनाव के कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे और इन अध्यायों में हम विशेष रूप से जन आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी भैंसों के बारे में पढ़ेंगे सो डे स्टूडेंट्स टू वी हैव डिस्कस टू डिफरेंट टॉपिक्स सो आई रिक्वेस्ट यू टू लिस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग टिल दैन थैंक्स एंड हैव नाइस डे